गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 संस्कृत तृतीय पाठ। इसमें आपको जो है आज पार्ट 5 होगा। आपको 4 पार्ट दिए जा चुके हैं, जिसमें आपको शब्दार्थ पार्ट क्या पढ़ाया गया था, उसके बाद पार्ट 3 में क्वेश्चन आंसर, और फिर 4th में क्वेश्चन नंबर 3 यानी चित्रानी प्रतिभा संख्यावाचकम लिखा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 मंजूषा का अंक का नाम प्रत्येक प्रधानी चुन, और उसके बाद चित्रम दिशा मंजूषा प्रधानी चुन उपयुक्त वाक्यानी रचक, ये 5 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 आज आप जानते हैं। क्वेश्चन सी अधोलिखिता त्रिवादन, सात नंबर से आ रहा है ना, साढ़े
उसके बाद आई वासल में डेढ़ बजे आया थे सात एक बाद यहाँ एक है तो एक बाद पाँच है तो पाँच बाद साढ़े तीन है तो सात तीन बाद उसके बाद आया आपका नाइन बजा नौ इसको लिखेंगे नौ बाद नौ बाद इसके बाद है साढ़े बारह यानी बारह तीस तो सात सात द्वादश द्वादश वादन इसके बाद है एक यानी आठ बजे है क्या बोलेंगे अष्ट वादन अष्ट वादन अगर मान लीजिए साढ़े सात हो रहा है तो लिखेंगे सात सात के लिए सप्त हो जाएगा सात सप्त वादन तो सिंपल ध्यान के लिए थोड़ा सा लिखेंगे तो आप आसानी से समय को संस्कृत में बोल सकते हैं सात का मतलब समझ लेगा साढ़े और साढ़े दस सात द्वादश वादन सारी इसके बनाए यहाँ देखिए साढ़े दस सात साढ़े दस है तो सात दस दस का मतलब तो सात दस का हो जाएगा इसके बाद आपका जो है देखिए इसके आपके ग्रुप में भी दिया हुआ है सात दस लिखा हुआ है साढ़े बारह होना चाहिए यहाँ साढ़े दस दिया हुआ है तो सात दस बार सात बज रहा है तो सात बार ढाई बज रहा है तो सात द्विवादन अलेवन तो एकादश वादन साढ़े चार का सात हो जाएगा चतुर्वादन डेढ़ हो रहा था सात एक वादन पाँच तो सीधे सीधे पाँच वादन साढ़े तीन तो सात द्विवादन नौ बजे आगे नौ वादन हो जाएगा साढ़े बारह सात हुआ दस वादन एक हो रहा है पाँच वादन और साढ़े सात का सात सत्तर आई बात समझे आपके बुक में देखिए ये जो पहला है साढ़े दस का हुआ है सात बार दस बार लिखा हुआ है वहाँ होना चाहिए सात दस बार आई बात समझे यहाँ पर साढ़े दस दिया हुआ है और जो लिखा हुआ है उसका संस्कृत वो ट्वेल्व साढ़े बारह बजे का लिखा हुआ है इसलिए चीज को ध्यान देंगे और उसको सही करेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मजू सात क्वेश्चन नंबर सेवन मजू सात प्रधान प्रधान चित्तवा रिक्त रिक्त स्थानानि रिक्त स्थानानि पूरयत् इसमें आपको दिया हुआ है पहले खट इसके बाद त्रिंशत् इसके बाद दिया हुआ है एक त्रिंशत् एक त्रिंशत्
फिर दो, इसके बाद द्वादश, द्वादश, इसके बाद अष्टाविंशति, अष्टाविंशति, विंशति। ये सब दिए गए हैं आपके सामने, ये दास ने सब दिया हुआ है। इन शब्दों से पूर्ति दिए गए शब्दों को चुन करके आपको करना है। इसमें बहुत इसमें बहुत सा शब्दों को भरना है। इसमें पहला प है क, इसमें है खर, ये भरेंगे भवन्ति, इसके बाद ख है मासा, मासा, द्वादश, द्वादश, भवन्ति, इसके बाद एकस्मिन् मासे गमेन, एकस्मिन् मासे, एकस्मिन् मासे त्रिंशत्, त्रिंशत् अथवा अथवा एक त्रिंशत्, एक त्रिंशत् दिवसा, दिवसा भवन्ति। इसके बाद मम शरीर गौ के बाद घर सारी घर, फरवरी मासे फरवरी, फरवरी मासे सामान्यतः सामान्यतः दिनानि भवन्ति। अष्टाविंशत् इसमें एकदम है, इसमें त्रिंशत् अथवा एक त्रिंशत्, तीस या इक्कीस, और अंग लास्ट मम शरीर मम शरीर द्व द्व हस्त, हस्त, हस्त भाई भाषा में देखिए खड़ ऋतु मानी छह ऋतु होती है। आप देखिए जनवरी फरवरी अंग्रेजी महीनों के नाम तो जानते ही हैं, लेकिन हिंदी महीनों के नाम, तो हिंदी महीनों के नाम देखिए आपको नीचे लिखा हुआ है चैत, वैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। आई भाषा में संस्कृत में आप देख रहे हैं कि वर्ष के बारह महीनों के नाम यानी हिंदी महीनों के नाम, आई भाषा में इसका हिंदी चैत, वैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। इसमें आप देखेंगे चैत और वैसाख ये दोनों से वसंत ऋतु होता है, फिर ज्येष्ठ और आषाढ़ ये दोनों से ग्रीष्म ऋतु, इसके बाद श्रावण और भादो इसमें वर्षा ऋतु, आश्विन और कार्तिक इसमें शरद ऋतु, मार्गशीर्ष और पौष इसमें हेमंत, और माघ और फाल्गुन यानी शिशिर। इस तरह से छह ऋतुएँ होती हैं, तो छह ऋतुओं के नाम समझ में आ गया होगा। पहला वसंत ऋतु, दूसरा ग्रीष्म ऋतु,
तीसरा वर्षा ऋतु, चौथा शरद ऋतु, पांचवा हेमंत ऋतु और छठा शिशिर ऋतु। तो ये छह ऋतु में और 12 महीनों के नाम आई बात समझ में। तो हिंदी में हम अंग्रेजी तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जानते ही हैं, लेकिन अगर ये पूछा जाए हिंदी महीनों के नाम तो बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हिंदी महीनों के नाम याद है। तो हिंदी महीनों के नाम समझ में क्या हुआ, चैत, वैशाख, जेठ, अषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। उसी तरह से आपको छह ऋतु में भी समझ में आ गए होंगे, पहला है वसंत, फिर ग्रीष्म, फिर वर्षा, फिर शरद, फिर हेमंत और शिशिर। और इन्हीं चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपका जो है रिक्त स्थान दिया गया था उसको भरा गया है। खट ऋतु माने छह ऋतुएँ होती हैं, मासा द्वादश भव, मासा द्वादश भव माने महीने कितने होते मालूम है आपको, 12। एक अश्विन मासे माने एक महीने में 30 या 31 दिन, 63 अथवा 31 दिवसा भवन माने एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः आप जानते हैं कि फरवरी महीने में सामान्यतः अष्टाविंश माने 28 दिन होते हैं। मम शरीर यानी मेरे शरीर में दो हस्त हस्त माने मेरे शरीर में दो हाथ आई बात शरीर में। तो आप एक्सरसाइज को ध्यान दे दिए, अब आप एक्सरसाइज जो भी आपको कराया गया है 5 पार्ट्स में, इस एक्सरसाइज को आप अपनी कॉपी में जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको जो भी कार्य कराया जा रहा है पार्ट भी आपको पढ़ाया जा रहा है, उसके अलावा पूरी एक्सरसाइज आपको वीडियो के माध्यम से दिया जा रहा है, तब ये एक्सरसाइज को देखें और अपनी फेयर कॉपी में लिखने का प्रयास करें, क्योंकि फेयर कॉपी बनाए रखेंगे तो आपको किसी भी लेसन को मिलाने में आराम रहेगा। थैंक यू।